ध्यान के माध्यम से चरित्र की गरिमा प्राप्त होती है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने चरित्र को लेकर कुछ भी अभ्यास नहीं कर रहे होते, लेकिन तुम्हारी अंतर्दृष्टि बढ़ती है। तुम चीजों को वैसे ही देखना शुरू कर देते हो जैसी वे हैं, और तुम स्वाभाविक रूप से जब तुम चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखना शुरू करते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन इस नई रोशनी, इस नए दृष्टिकोण में बदल जाता है। तुम पुराने तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अब ध्यान के माध्यम से तुम जानते हो कि हम अलग नहीं हैं। तुम किसे धोखा दे रहे हो? तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। तुम हिंसक नहीं हो सकते, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, तुम किसी को चोट पहुंचाने में आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि अब तुम जानते हो दूसरा भी तुम्हारा हिस्सा है, जैसे तुम दूसरे का हिस्सा हो। हम एक जैविक ब्रह्मांड का हिस्सा है, हम बिल्कुल भी अलग अलग सत्ताएं नहीं है। तब निश्चित रूप से तुम्हारे चरित्र में एक गरिमा आएगी, और ये गरिमा सत्य निष्ठा के माध्यम से आएगी। तुम विभाजित नहीं होगे, तुम एक होगे, तुम्हारी दृष्टि एक होगी, तुम्हारी जीवन शैली सिर्फ इसका परिणाम होगी, इसके खिलाफ नहीं, कुछ भी थोपा हुआ नहीं होगा। ध्यान वास्तविक चरित्र का स्रोत होना चाहिए। चरित्र के बारे में सब कुछ भूल जाओ, बस अपनी सारी ऊर्जा ध्यान में लगा दो, और इससे एक चरित्र उभरता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो तुमने बनाया हो, ये स्वतः ही आता है। और जब चरित्र स्वाभाविक रूप से आता है तो इसमें एक सुंदरता होती है, ये एक आनंद होता है। ये किसी अंत का साधन नहीं, ये स्वयं में एक अंत है। प्रणाम।